गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन यूनिक स्कूल सीकर। इन प्रीवियस क्लास वी वर रीडिंग अबाउट अहिरण्यक कॉन्सेप्ट और अहिरण्यक थ्योरी। टुडे इन दिस क्लास वी आर रीडिंग अबाउट द नेक्स्ट थ्योरी ऑफ कंप्लीटली बेस्ड ऑन एसिड बेस इज ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। Bronsted लॉरी थ्योरी कौन सी है? Bronsted लॉरी थ्योरी, या फिर अपन इसको ये कह सकते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसेस। ठीक है, यहाँ Bronsted और लॉरी बहुत क्या है, दोनों साइंटिस्ट हैं। ये तो है डेनिश का साइंटिस्ट, डेनिश साइंटिस्ट जो है जॉन्स Bronsted 1874 to 1936, और ये क्या है, ये क्या था, इंग्लिश केमिस्ट लॉरी 1874 to 1936। ठीक है, क्या है था, ये तो था जॉन्स Bronsted 1874 to 1936, और ये क्या हो गया, एम लॉरी 1874 to 1936। बोथ ने मिलकर के, या अपन कहें तो दोनों ने एसिड और बेस की दो डेफिनेशन दी, और उस डेफिनेशन को इन्होंने जो है कॉन्सेप्ट नाम दिया Bronsted लॉरी कॉन्सेप्ट। प्रीवियस क्लास में अपन ने एसिड बेस की अहिरण्यक थ्योरी का अपन ने स्टडी की थी। अहिरण्यक थ्योरी में अपन ने क्या कहा कि एसिड वो जो एच प्लस आयन गिव करता है, और बेस वो जो ओएच माइनस या हाइड्रोक्सिल आयन गिव करता है। बट ये क्या है कि उन सब्सटेंस के लिए फॉलो नहीं होती जिनमें एच प्लस और ओ एच माइनस आयन जो है वो प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट थ्योरी जो है वो नेक्स्ट थ्योरी प्रपोज करने की रिक्वायरमेंट हुई। और वो जो नेक्स्ट थ्योरी थी, वो नेक्स्ट थ्योरी किसने दी, Bronsted और लॉरी ने दी। इन्होंने जो ये थ्योरी दी, ये थ्योरी किसके बेस पर दी, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटॉन। किसके बेस पर दिए, प्रोटॉन के बेस के ऊपर दिए। अब इन्होंने कहा कि टू टाइप के सब्सटेंसेस होते हैं, एक तो होता है प्रोटॉन डोनर, क्या होता है, एक तो प्रोटॉन डोनर होता है, एक होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर। इन्होंने कहा कि एक तो होता है प्रोटॉन डोनर और एक होता है प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है। इन्होंने कहा कि जो डोनेट करता है वो तो हो गया एसिड, और जो एक्सेप्ट करता है वो क्या हो गया, बेस हो गया। इन्होंने कहा कि एसिड क्या करता है, प्रोटॉन को डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनर है वो, और बेस क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, वो प्रोटॉन को क्या करता है, गेन करता है, एक्सेप्ट करता है, इसलिए उसको क्या कह दिया, प्रोटॉन एक्सेप्टर कह दिया। ठीक है, और इस बेस पर उन्होंने कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर जो है उनके बारे में एक्सप्लेनेशन दी। जैसे कि अपन फॉर एग्जांपल इसको एक्सप्लेन करते हैं, मैंने लिखा यहाँ पर HA+B। देखो यहाँ पर HA यानी ये क्या है, ये है एसिड, और प्लस ये क्या है, बेस है। ठीक है, ये एसिड है, ये बेस है, ये क्या करता है, अपना एक H जो है, ये H किसको देता है, ये इस B को देता है, यानी ये H यहाँ से किसके पास आता है, इस B के पास में आता है। अब जब ये इसके पास आ जाता है तो ये A तो अकेला रह जाता है बेचारा, तो इसके पास रह जाता है A-, ये क्या हो गया, A-, यानी इसने क्या कर दिया, अपना डोनेट कर दिया, तो इस पर क्या आ गया, नेगेटिव, और HB पॉजिटिव।
ये एच किसके पास आ गया, बी के पास में आ गया, ठीक है। इसको बोलते हैं ये जो है एच ए जो है यहाँ से, यानी एसिड जो है ये एसिड अपना एक जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन क्या करके आया है, लूज करके और किस में कन्वर्ट हुआ है, कॉन्जुगेट बेस में, ठीक है। और ये जो बेस है ये इसमें से हाइड्रोजन लेकर के और ये क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया, ठीक है। क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया। और इस प्रकार से यहां से देखो, यहां एच ए देखो, इसमें एच ए जो है किसमें कन्वर्ट हो गया, ए माइनस में, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। और यहां सेकंड में देखो बी जो है ये बी कन्वर्ट हो गया एच बी पॉजिटिव में, इसको क्या बोलते हैं, कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर। क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर और कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर, क्योंकि बेस से किसमें कन्वर्ट हुआ है, एसिड में गया है तो बेस एसिड पेयर, और ये एसिड से बेस में आया है तो एसिड बेस पेयर। ओके अंडरस्टैंड। अब ये तो अपन ने क्या है कि एक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये अपन ने किया है। अब अपन एक एसिड बेस का एग्जांपल लेते हैं और उस एग्जांपल के बेस के ऊपर इसको इसकी स्टडी करते हैं। देखो एग्जाम्पल लेते हैं H2O प्लस NH3। यहां पर ये क्या है, एसिड है, ये क्या है, बेस है। अब वो अपने को कैसे पता चलेगा वो देखेंगे। अभी देखो क्या फॉर्म करता है ये अब यहां पर लिखवा। यहाँ क्या होता है कि ये जो H2O है ये किस में होता है, H प्लस और OH माइनस होते हैं इसके पास में। तो ये अपना एक हाइड्रोजन जो है यह हाइड्रोजन किसको दे देगा, ये इस NH3 को देगा और NH3 को देगा तो ये क्या बन गया, यहाँ पर NH4 प्लस बन गया। ये तो क्या बन गया, NH4 प्लस, और यहाँ क्या रह गया, OH माइनस। इसके पास क्या रह गया, ओनली OH माइनस रह गया, OH नेगेटिव, ठीक है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि देखो ये पहले क्या था, एसिड था और अब OH माइनस में चला गया, तो एसिड से क्या बन गया, ये कॉन्जुगेट बेस बन गया, ठीक है। और यहां पर NH3 पहले बेस था, अब NH4 प्लस में आ गया, यहां क्या बन गया, ये कॉन्जुगेट एसिड बन गया। ओके यही हुआ। अब यहां क्या हो रहा है, वाटर जो है ये अपना एक प्रोटॉन जो है वो किसको गिव कर रहा है, किसको डोनेट कर रहा है, NH3 को कर रहा है। इसलिए यहां वाटर क्या है, प्रोटॉन डोनर है। क्या है, ये प्रोटॉन डोनर है, और प्रोटॉन डोनर है इसलिए इसको क्या कहा अपन ने, एसिड का। और यही उसकी डेफिनेशन है ब्रोंस्टेड-लोरी की। ब्रोंस्टेड-लोरी ने अपनी डेफिनेशन में क्या कहा कि जो प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, जो प्रोटॉन डोनर है वो एसिड है, और जो प्रोटॉन एक्सेप्टर है वो क्या है, बेस है। तो यहाँ जो डेफिनेशन है ये डेफिनेशन कम्प्लीटली फॉलो हो रही है। और अदर में यहाँ देखो तो ये बेस जो है NH3 जो है वो यहाँ क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है। क्या है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, और प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए इसको क्या कहा, इसको कहा बेस। प्रोटॉन एक्सेप्टर है इसलिए इसको क्या कहा, बेस कहा। क्यों,
क्योंकि ब्रोस्टेन लॉरी की जो डेफिनेशन है, उसने अपने जो कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन दी है उसमें क्या कहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर बेस है। ठीक है, यहां पर देखो जैसे अपन ने यहां पर किया एच ए ए माइनस में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहां पर एच टू ओ जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, ओ एच माइनस में, इसलिए इसको क्या कहा, इसको कह दिया अपन ने कॉन्जुगेट, ये एसिड था तो एसिड बेस पेयर। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर NH3 जो है ये NH3 किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH4 प्लस के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर हो गया। ओके, कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर फॉर्म हो गया, किसके अकॉर्डिंग है ये, अकॉर्डिंग टू द ब्रोंस्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट। यहां पर देखो, अदर यहां मैं आपको कुछ फॉर्मूला के बारे में बता रहा हूं, यहां पर ये क्या है, इसका नाम है अमोनिया, ये क्या है, अमोनिया है, और ये एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करके के, यानी कि एक हाइड्रोजन को ये एक्सेप्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहा है, NH4+ के अंदर, NH4+ यानी कि अमोनियम आयन किसमें कन्वर्ट हो गया, अमोनियम आयन के अंदर कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ओके है, क्लियर, ये अपन ने एक एग्जांपल के बेस पर अपन ने इसको एक्सप्लेन किया है। चलो नेक्स्ट एक एग्जांपल मैं आपको लेकर के और उस एग्जांपल को और एक्सप्लेन करते हैं अपन। देखो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, एक HCl प्लस H2O का। ठीक है, अब यहाँ क्या हो रहा है, देखो HCl किस में ब्रेक होता है, ये H प्लस एंड Cl नेगेटिव, H प्लस एंड Cl नेगेटिव, यहाँ वाटर है ये, तो देखो अपन जानते हैं HCl यहाँ क्या है, HCl यहाँ एसिड है, कॉन्सेप्ट जो है वहाँ पर ने पढ़ा है कि H प्लस आयन गिव कर रहा है, और ये क्या करता है, ये H प्लस भी गिव करता है और OH माइनस भी गिव करता है, तो यहाँ पर एसिड कौन रहेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये तो एसिड रहेगा, और H2O यहाँ किस का बिहेव करेगा, बेस का बिहेव करेगा, तो H2O जो है वाटर जो है ये रिएक्शन के अंदर एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करता है। ठीक है, जब इसके साथ में कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो तो ये वहाँ पर एसिड की तरह बिहेव करता है, यदि कोई वहाँ पर इसके साथ में यदि कोई एसिड है तो फिर ये किसका बिहेव करता है, वहाँ पर बेस का बिहेव करता है। इसीलिए ये देखो दूसरा जो एग्जांपल है ये मैंने चूज़ किया है, तो यहाँ देखो HCl प्लस H2O, यहाँ से ये क्या करता है, अपना एक जो H है वो किसको गिव करता है, H2O को देता है, किसको देता है, H2O को देता है, और H2O को जब ये एक अपना H प्लस देता है तो ये क्या फॉर्म करता है, H3O प्लस, क्या बनाता है, ये H3O प्लस फॉर्म करता है, और नेक्स्ट क्या रह जाता है, Cl नेगेटिव, और लेफ्ट क्या रह जाता है, Cl जो है ये नेगेटिव लेफ्ट रह जाता है। अब यहाँ पर ये क्या है, एसिड है, HCl क्या है, एसिड है, ये अपना एक प्रोटॉन जो है ये डोनेट कर देता है, क्या कर देता है, प्रोटॉन डोनर है ये, इसलिए इसको क्या कहा अपन ने, एसिड कहा, और यहाँ Cl- में कन्वर्ट हो गया, तो यहाँ ये किस में कन्वर्ट हो गया, कॉन्जुगेट बेस के अंदर कन्वर्ट हो गया। ओके, सेम एज यहाँ वाटर जो है ये वाटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, H3O+ में, कैसे, यहाँ ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्टर है, प्रोटॉन क्या कर रहा है, ये एक्सेप्ट कर रहा है, और प्रोटॉन एक्सेप्ट करके वाटर जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया, किसमें कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोनियम आयन में, ये हाइड्रोनियम आयन जो है यहाँ पर क्या हो गया, ये बन गया कॉन्जुगेट
एसिड। क्या फॉर्म हो गया ये? कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर अपन देखो सेम वही प्रोसीजर करते हैं। देखो HCl जो है किस में कन्वर्ट हुआ? Cl- में। इसलिए इस पेयर को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ओके, और नेक्स्ट जो पेयर यहाँ फॉर्म हो रहा है H2O कन्वर्ट इनटू H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन, देन इट्स कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस एसिड पेयर। ओके, तो ये क्या है? दोनों ब्रॉन्स्टेड लोरी का कॉन्सेप्ट है। अब मैंने जो प्रीवियस आपको जो आहिरनियस कॉन्सेप्ट जब मैंने यहां एक्सप्लेन किया था, तो वहां पर देखो एक बात मैंने वहां एक्सप्लेन नहीं की थी। लास्ट में मैंने आपको एक टॉपिक वहां लेफ्ट कर दिया था, वो मैंने यहां पर इसलिए किया। देखो यहां पर आप देख रहे हो कि यहां से जब H प्लस रिलीज हो रहा है वो किसके साथ जा रहा है? जब H2O के साथ मिल रहा है तो वो क्या बना रहा है? हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। क्या बना रहा है? हाइड्रोनियम आयन बना रहा है। अब यहाँ जब बात आ जाती है प्रोटॉन की, तो अपन बात कर लेते हैं। अपन ने 9th क्लास के अंदर एटम का अपन ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? अपन ने एटम पढ़ा था, और अपन ने कहा था कि एटम जो है वो क्या होता है? स्मॉलेस्ट जो है पार्ट है कोई भी सब्सटेंस का, जो कि क्या नहीं रह सकता? फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। जो कि किस स्टेट में नहीं रह सकता? फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। तो इसका मतलब ये है कि जब अपन ने आहिरनियस जब कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा, मैंने वहाँ पर आपको कहा कि HCl जो है ये क्या करता है? H प्लस और Cl माइनस रिलीज करता है। यानी यहाँ पर क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या नहीं रह सकता? ये अकेला तो नहीं रह सकता। क्या नहीं रह सकता? ये अकेला क्या नहीं रह सकता? अलोन एटमोस्फियर के अंदर फ्री स्टेट में नहीं रह सकता। अब जब ये नहीं रह सकता तो ये क्या करता है? ये किसी दूसरे के साथ में, यानी एच प्लस जो है वो वाटर के साथ में रिएक्ट करता है, और किसका फॉर्म किसका फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, या बेस में जो होता है जैसे एच प्लस और वहां रिलीज होता है OH माइनस, तो किसका फॉर्मेशन हो जाता है? H2O वाटर का फॉर्मेशन होता है। H प्लस और OH माइनस मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं? वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। और H प्लस या फिर वाटर के साथ में मिक्सअप होकर के किसका फॉर्मेशन करता है? हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। और ये जो है कि H प्लस और OH माइनस मिलकर के किसका फॉर्मेशन कर लेते हैं? वाटर का। जो कि कैसा होता है ये होता है न्यूट्रल। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। इसलिए इसको क्या बोल दिया? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल। क्या हो गया? ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया था। तो ये जो लास्ट पार्ट था ये लेफ्ट रह गया था आहिरनियस कॉन्सेप्ट में, जिसको मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट जो बात थी वो ये थी कि जो भी एटम है या प्रोटोन है ये क्या नहीं रह सकते? एटमोसफियर के अंदर लाइव नहीं रह सकते। यदि सिंगल की यदि अपन बात करें, मॉलिक्यूल जो होता है वो तो फ्री स्टेट के अंदर रह सकता है, बट एटम नहीं रह सकता। इसलिए वो किसी के साथ में अदर के साथ में क्या करता है? रिएक्शन करके और उस कंपाउंड फॉर्म के अंदर वहाँ पर लाइव रहता है। ओके, और तो अपन ने यहाँ इस क्लास के अंदर जो ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट है, ये ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट अपन ना जो है क्लियर हो गया है। यदि कोई डाउट हो तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो, ठीक है, और मेरे से पूछ सकते हैं। ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट के आगे जो लुईस कॉन्सेप्ट है वो लुईस कॉन्सेप्ट आता है। अब ये लुईस कॉन्सेप्ट क्यों आता है? लुईस कॉन्सेप्ट क्यों देने की रिक्वायरमेंट हुई? जब आहिरनियस कॉन्सेप्ट था, ये आहिरनियस कॉन्सेप्ट उन आहिरनियस कॉन्सेप्ट के बाद में ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट आया। तो ये ब्रॉन्स्टेड लोरी कॉन्सेप्ट क्यों आया? बिकॉज क्योंकि आहिरनियस जो कॉन्सेप्ट था वो उन सब्सटेंस के बारे में उनको एसिड और बेस में क्लासीफाई नहीं कर पा रहा था जिनमें एच प्लस और ओच माइनस प्रजेंट नहीं होते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल आयन। सेम एज अपन बात करें तो ये भी जो है ब्रॉन्स्टेड लोरी जो कॉन्सेप्ट है, ये प्रोटोनिक जो सब्सटेंस है उनको तो क्या कर रहा है? एक्सप्लेनेशन दे रहा है, बट ए प्रोटीन जो सब्सटेंस है उन सब्सटेंसेज को ये क्या नहीं कर रहा? फॉलो नहीं कर रहा। उनके बारे में ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो है ये
नहीं दे रहा, ठीक है। यानी कि ये किसके बारे में नहीं बता रहा, ये एप्रोटिक जो एसिड्स है, जैसे कि लाइकेज में बात करूँ यहाँ पर आपसे कि CO2 है, SO2 है, BF3 है, इनके बारे में ये क्या नहीं कर पा रहा, एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा। जब इनके बारे में एक्सप्लेन नहीं दे पा रहा तो फिर नेक्स्ट जो थ्योरी है, लुईस को जो कॉन्सेप्ट है, वो लुईस कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री के अंदर आता है। और वो जो लुईस कॉन्सेप्ट है, ये लुईस कॉन्सेप्ट अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर उसकी डिटेल जो स्टडी है वो अपन करेंगे। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।